नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। आज हम आपको हंसी योग करने के तरीके बताएंगे। दोस्तों, हंसी और योग से मिलकर हंसी योग बनता है, जिसमें प्राणायाम के साथ आपको अलग अलग एक्सरसाइज के साथ हंसने के तरीकों को सिखाया जाता है। लाफ्टर योग के तहत जोर जोर से हंसना, ठहाके मार के हंसना और बेबाक हंसने के तरीकों को सिखाया जाता है। लाफ्टर योग से शरीर और मन को शांति मिलती है, इसलिए आप लाफ्टर योग को रेगुलर प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं कि हंसी योगा को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। लाफ्टर योग को आप बैठकर, खड़े होकर, लेटकर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आज हम आपको बैठकर लाफ्टर योग को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है यह बताएंगे। सबसे पहला तरीका है क्लैपिंग। आपने ऐसे क्लैपिंग करते हुए हंसना है। इससे क्लैपिंग करने से आपके शरीर की, आपके हाथों की अच्छी एक्सरसाइज होती है। यह आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दमते हैं इससे। नेक्स्ट, आपने क्लैपिंग करके ऐसे हंसना है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 और ये 1 2 1 2 3 ये ऐसे आपने जोर जोर से खिलखिला के हंसना है। 1 2 1 2 3 ये बहुत से लोग होते हैं जिन्हें खुल के हंसना नहीं आता है, सिर्फ मुस्कुराते ही रहते हैं। आपको खुल के, खिलखिला के जोर जोर से हंसना चाहिए। इसके लिए आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब आप करेंगे हो हो हा हा हा। ऐसे हंसते रहने से आपको स्टार्टिंग में यह नकली लगेगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको हंसने की आदत बन जाएगी और आप जोर जोर से ठहाके मारकर बेबाक तरीके से हंस सकते हैं। अब करेंगे आप हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो पेट के समस्त पाचन संबंधी जो भी डिसऑर्डर है, आपको श्वसन संबंधी जो भी रोग है, वह दूर होते हैं। आप इस एक्सरसाइज को सुबह, शाम, दिन में या रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप अकेले में प्रैक्टिस कीजिए। आप यह मत सोचें कि शांति वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। उसका तरीका है डीप ब्रीदिंग। आपने इसमें लफिंग करनी है, ऐसे श्वास भरते हुए पीछे गए श्वास छोड़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए आगे झुक जाना है, फिर श्वास भरते हुए पीछे जाना है गुड। ऐसे ही आपने लाफ्टर थेरेपी को, हंसी योग को करना है। आप यह मत सोचिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप इस लाफ्टर योग को कीजिए, आपको अनेकों बेनिफिट मिलेंगे। हंसी योग के रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका शरीर, मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत और फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलते हैं। यह बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए हंसी योग बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। इसलिए आप इन हंसी योग को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।